हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, चौथा पार्ट है। और इसमें लगभग सारे के सारे जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट का स्रोत उस विद्युत धारा लेगी, तो उसका मान क्या होगा, कितना एम्पियर मतलब लेगी। तो एम्पियर निकालने के लिए आपको सिंपल सा बात है कि क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 220 अब बटा में 55, इसे काट दीजिए तो 4 हो गया, 4 एम्पियर लेगी। चलिए अगला जो है क्वेश्चन क्या है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है, तो वो चांदी है। ठीक है, अगला है एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, कच्ची का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। अनिल में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो ये चांदी होता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक, तो ओम मीटर होता है। ठीक, और अगला है पॉइंट, चालक के प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है और उसकी तार पर, उसकी लंबाई पर, इस सब पर निर्भर करता है। अगला है बात कि ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ओम होगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकता की संख्या घटने के लिए उपरांत संयोजित प्रतिरोध क्या होगा, तो वो घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, तो विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो विद्युत धारा होता है। 1 जूल का मान होता है कितना, तो 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, अगला जो है, ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और विद्युत हीटर का तार बना होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, अगला है पॉइंट, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है, तो वो प्रतिरोध होता है। अगला पॉइंट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक, अगला पॉइंट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है। और निम्न में से किसका अर्थ जल, तो हाइड्रो का मतलब जल होता है। ठीक है, और विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट होता है। अब देखिए, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, 220 को भाग कर दीजिए 2 से, 110 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, 1 किलोवाट घंटा निम्नांकित में किसका बराबर होता है, तो 1 किलो घंटा ये कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, अगला क्वेश्चन जो है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर क्या कीजिए कि 100 है ना,
इसमें भाग कर दीजिए 250 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। ये इसका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 220 के बजाय हम 210 पर कर देते हैं, तब इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? तो आधा हो जाएगी, जब 220 था तो 210 हुआ, तो वाट है 100 है, तो वो आधा हो जाएगा, 50 वाट का हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं करता है वो होता है IR2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर होता है J/S, जूल प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? तो 3.6 × 10^6 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है? तो ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, किसी विद्युत धारा प्रवाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला है पॉइंट, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस की दिशा को संकेत करता है? तो अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर इशारा करता है। किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वो करता है वेग और संवेग का। अगला है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा ऊपरी मुखी की ओर। ठीक है, अगला है पॉइंट, विद्युत धारा उत्पन्न की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, और ये जनरेटर जो है विद्युत जनित के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। तांबा के तार का एक आयताकार कुंडली जिसकी चुंबक के क्षेत्र में आघूर्णन गति कर रही है, इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा? तो आधा जो परिभ्रमण होगा ना, उसके बाद परिवर्तन हो जाएगा। अगला है पॉइंट, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो उसका जो है अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, घरेलू उपकरण के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, मतलब घर में उपयोग करने के लिए विद्युत की जरूरत कितनी होती है? तो 220 वोल्ट होता है और 50 सहज होता है। अगला पॉइंट जो है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, ठीक है, गर्म, ठंडा और अर्थ, इन तारों का रंग कैसा होता है? तो देखिए, गर्म का जो होता है वो लाल होता है, ठंडा का काला होता है और अर्थिंग का हरा होता है। देखिए, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा लगाए जाते हैं गर्म तार, यानी विद्युत वाला तार में स्विच लगाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है क्या? लघु पतन और अति भारण दोनों से रक्षा करता है। जब ज्यादा मान लीजिए स्पार्किंग होगा तभी फ्यूज उड़ हो जाएगा, या ज्यादा लोड हो जाएगा तभी फ्यूज उड़ जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत जोड़ा जाता है, मतलब कैसे? तो विद्युतीय तार में, जो मतलब स्विच होता है ना, तो विद्युतीय तार में जोड़ा जाता है। अगला जो पॉइंट है, फ्लेमिंग के हस्त नियम में बायां हाथ की तर्जनी जो है संकेत करती है, तो किधर करेगी?
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। अगला पॉइंट जो है विद्युत मोटर जो है बदलती है, तो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, विद्युत जनित परिवर्तित करता है, विद्युत जनित क्या बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला पॉइंट है किस युक्ति में विभक्त वाल्य दिक परिवर्तन का कार्य होता है, तो ये मोटर में होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो ये फैराडे ने किया था। ठीक, अगला जो है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है, तो दिष्ट और प्रतिवर्ती दोनों तरह के धारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कोयला कौन सा संसाधन है, तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और डीजल का उपयोग क्या है, तो देखिए ये कहने की बात क्या है कि डीजल का क्या उपयोग है, वैसे भारी वाहनों में, रेल इंजन में और विद्युत उत्पादन में डीजल उपयोग होता है। अगला पॉइंट जो है सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। खिलौने में किस प्रकार के यहाँ पर सेल होगा, ठीक है, सेल खिलौने में किस प्रकार का सेल होता है, तो शुष्क सेल होता है। ठीक है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये है जैव मात्रक है। और सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। अगला जो पॉइंट है विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है, तो वो काला होता है, अभी इससे पहले आपको बताया गया था। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट के स्पार्किंग होता है, जिसके कारण से दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका क्या होता है, तो प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। अगला जो पॉइंट है फ्यूज तार मिश्रण है किसका, तो शीशा का और टीन का मिश्रण है। विद्युत चुंबक का खोज किसने किया था, तो ऑरेस्टर ने किया था। अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय बनाए जाते हैं, तो वो नरम लोहे को बनाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य होता है। अगला पॉइंट है किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, तो सीएनजी का नहीं किया जाता है, क्योंकि सीएनजी वाहनों के लिए होता है, वाहन चलाए जाते हैं। अगला पॉइंट है वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक उष्मन बढ़ता है, कहने का मतलब उसका तापमान बढ़ता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है इसका तापमान बढ़ रहा है। कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस होता है। अगला पॉइंट है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादल वाला दिन जो है हम सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण वो बदल देती है। अगला पॉइंट है जीवाश्म ईंधन
की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है। अगला पॉइंट, पवन ऊर्जा, जो पवन विद्युत जनित्र में पवन की कम से कम कितनी होनी चाहिए, चाल क्या होती है इसका? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला है, सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए कब नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाला दिन नहीं कर सकते हैं। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखे सेल का, शुष्क सेल या सूखा सेल। अगला है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। किस धातु से सौर सेल बनाई जाती है? तो सिलिकॉन से, सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। और नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? तो वो एलपीजी हो। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्मन होता है? तो अभी हम लोग देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 भी बोला जाता है। ठीक। और प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? तो इसमें 5 सतह होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।